परम पूज्य सदगुरुदेव जी का एक हृदय के गीत है कि सुख ढूंढ रहे तुम मन में गिरी गहवर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर चौराहों बाजारों में नृप के कोषागारों में सुख शांति नहीं तुम पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। आज तक हम लोग सुख को ढूंढते फिर रहे हैं, बचपन से लेकर जवानी बीते, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सुख ही ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। कि वस्तु कहीं और है और ढूंढना कहीं और चालू है। कहा सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गबर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया हुआ है तेरे अंदर में। कहा तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। आज तक बचपन बीता, बचपन में हमें सुख लगता है माँ की गोद में। देखते होंगे छोटे बच्चे जब माँ की गोद से उतार दे जाए, चलो खेलेगा, जोर से चिल्लाने लगता है। और कुछ दिन बीतने के बाद उसी बच्चे को जब उठा के माँ गोद में लेती है तो कूद करके जमीन पर भागता है। क्यों? उसे सुख लगता है कि मुझे खेलने में है। वही बच्चे कुछ दिन बड़े होते हैं लगता है सुख है पढ़ने लिखने में। थोड़ा और युवा होता है तब उसे सुख लगता है स्त्री में। और जितना खोज है सब बाहर ही चल रहा है, भीतर कोई लेना देना नहीं है। अंतर यही है, काम तो शुरू है लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं हम बाहर में। उसके बाद सुख ढूंढते हैं पत्नी में, वहां भी नहीं मिला, धोखा मिला। अब पत्नी ढूंढती है पति में, उसमें भी सुख नहीं मिला। थोड़े दिन बाद दोनों में खटर पटर शुरू हो जाता है। पत्नी जब पहले पहले आती है तो कैसे दिखती है? चंद्रमुखी। और जब कुछ दिन बीत जाता है तो ज्वालामुखी नहीं हो जाता है? पहले पहले आती है तो चंद्रमुखी, थोड़ा दिन बीत जाने के बाद सूर्यमुखी हो जाती है, और थोड़ा दिन बीत जाता है तो ज्वालामुखी। तब कहता है बाबा वहीं वहां भी सुख नहीं है। सुख तो हम ढूंढ ही रहे हैं, काम तो चालू है, बस वस्तु अंते खोजे अंते। माल कहीं और पड़ा है, सामान कहीं और है, खोज कहीं और रहे हैं। एक बूढ़ी माता थी, शाम के समय उसकी सुई गिर गई। तब तक उजाला ही था, ऐसे ही 3-4 बजे होंगे, यही वक्त रहा होगा। और जहां वो सिल रही थी गुदरी, वो आंगन के बाहर रहा, लेकिन शाम को वो रात में ढूंढ रही थी सुई कहां, जहां लालटेन जल रहा था वहां। समझिएगा बात को, छत के ऊपर से भाग जाएगा यदि इधर उधर ध्यान दिए। वो सुई कहां ढूंढ रही है? जहां लालटेन जल रहा है। किसी ने पूछा माता जी क्या ढूंढ रहे हो? कहा मेरी सुई खो गई। तो यहां खो गई, वो भी खोजा, नहीं मिला। तो कहा कहां गिरा था? कहा उस समय उजाला था, आंगन के बाहर बैठी थी। फिर आंगन में क्यों ढूंढ रहे हो? सुई खो गई कहां, ढूंढ रहे हैं कहां? कि उजाला के पीछे भागते फिरे। हमारे जीवन की यही कहानी है। जवानी बीत गई, अब पैसे में सुख ढूंढने लगा, खूब दौलत बढ़िया कमाए, खूब मेहनत किए, सोचे इससे पूरा सुख मिल जाएगा। दौलत जितना आया उतने नींद से दूर होते चले गए, नींद भी उड़ गई दौलत को संजोने में, नींद भी उड़ गई, सुख वहां धन में भी नहीं मिला। फिर क्या किया? बुढ़ापे में देखा पोता पोती में सुख है, वहां भी नहीं मिला। जब पोता पोती से पानी मांगा परसों,
चार दिन की बात है, एक जगह गया था, एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, उसकी पोती जो है बड़ी सुंदर थी। जब वो कुछ छोटी थी तो पानी ले आओ, सामान ले आओ घर से ले आती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारी पोती बड़ी अच्छी है। क्या अच्छी है खाक बाबा? कहती हूँ एक गिलास पानी ले आओ तो मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, बहाना बना देती है, छोटी सी बच्ची। पोता पोती में भी सुख नहीं मिला, एक गिलास पानी भी नहीं मांगता है तो देता है। ये सुख तो ढूंढता ही रहा, पूरा बुढ़ापा बीत गया, पूरी जवानी चली गई, सुख मिला क्या? कहीं नहीं मिला। गुरुदेव जी कहते सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गवर के कंदर में, परवाह पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। अभी तक तो बाहर ही सुख ढूंढ रहा था, बाहर कहीं नहीं मिला। तब भीतर की यात्रा शुरू करता है जब गुरु बनाओगे तब। जब तक गुरु नहीं तब तक शुरू नहीं। अंधेरे में तीर मारने से कभी तुक्का लगेगा कभी नहीं लगेगा, इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। एक बार जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है। हमारे जीवन में खाए पिए खूब बढ़िया, सोए, सोने को कहां है चैन, लेकिन यात्रा जो सुख की करनी चाहिए वहां हमने किया नहीं। वो सुख की यात्रा भीतर की यात्रा है। जिस दिन से आप बाहर की यात्रा बंद कर देंगे और भीतर की यात्रा शुरू करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं कि परम सुख और परमानंद की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। जीवन का वो परम सुख परम लक्ष्य जहां है, हम वहां जाते कहां हैं? कहा वस्तु अंतय खोजे अंतय। सदगुरु कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं और है, ये दुनिया वाले ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि घर जरे घूर बुताए, आग लगी है घर में, अब पानी देने जा रहे हैं घूर में। घूर जानते हैं? कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दीजिए, उसको घूर कहते हैं। घर में आग लगी हो और घूर में पानी डालने जाए, कोई भी आदमी कहेगा ये मूर्ख आदमी है। मूर्खता तो हम सब भी कर रहे हैं। भगवान है सबके हृदय में और ढूंढ रहे हैं बारे में होगा। कहा इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को जो अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? कहा इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इस इंसान में जिसको भगवान नहीं नजर आया, दुनिया के किसी कोने में भगवान नजर नहीं आएगा। समझ का फेर है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर की ओर ढूंढे। भीतर की यात्रा चालू होगी आंख बंद करने के बाद, और बाहर की यात्रा शुरू होती आंख खुलने के बाद। कि जो भीतर का आंख यदि खुल गया विचार और विवेक का, तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। कहा बाहर की दो गई ही हो की गई हराए, कहें कबीर जाकी चारे हो गई ताको का उपाय। कबीर साहब ने कहा कि बाहर की दोनों चली गई, अंडा मांस मछली मदिरा पत्थर पानी पूजते पूरते चले गए। बाहर की तो दोनों ही गई, क्योंकि आंख से आदमी को मुर्गा का वीर्य नजर नहीं आता है, गंदगी उसको भी खा पी के बराबर कर देता है, और जितना जानवर है उसको भी खा पी के बराबर कर देता है, क्योंकि बाहर का दोनों आंख से नजर नहीं आता है। पत्थर में जीव है कि नहीं है, पानी में जीव है कि नहीं है, उसमें भी हमें भगवान नजर आता है, आंख से दिखाई कुछ नहीं देता है। कहा ये दोनों तो गया ही गया, कहा अंदर की दोनों और चली गई। कौन? विचार और विवेक। ना कभी हमने विचार किया, ना हमें कभी ने विवेक किया, और अंधाधुंध जो मानते चले गए, मानते चले गए। ऐसे ही एक मेला लगा हुआ था एक जगह, सिंहेश्वर स्थान का मेला लगा हुआ था,
वहां ढेर सारी महिलाएं महादेव जी की पूजा करने जा रही थी। मेला समापन होने के बाद वहां से सभी यात्री अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। एक जगह एक नगर वधू जिसको वेश्या कहते हैं वो भी जा रही थी। रास्ते रास्ते बाथरूम लगा उसे, वो रास्ते बगल में ही एक बगल बैठ गई। वो अगल बगल देखा कोई आ नहीं रहे थे, हल्की शाम का समय रहा तो उन्होंने देखा कि बहुत स्पीड में दो युवक जा रहे हैं, एक बुजुर्ग है एक साथ में है। उसने सोचा ये दोनों आदमी लगता है मुझे देख लेगा, कहेगा कि वेश्या की जात बड़ी बदतमीज होती यहां पेशाब कर रही है। उसने दो मुट्ठी वहां पर मिट्टी दे दिया। मिट्टी देने के बाद वो दोनों को शक हुआ कि आखिर ये कर क्या रही यहां पर। वो दोनों आदमी ने कहा अरे माता यहां क्या कर रही हो। उसने कहा धुरंधर भगवान है, ये धुरंधर भगवान को दो मुट्ठी धूल चढ़ाने के बाद भगवान खुश हो जाते हैं। वो दोनों बुजुर्ग एक युवा दोनों ने धुरंधर भगवान को दो मुट्ठी वो भी चढ़ा दिया। उसे देखकर चौथा आदमी आया, पांचवा आदमी आया। ये भेड़ की जात वाला मनुष्य बुझता और समझता तो कुछ है नहीं, अंदर का भी विवेक नहीं लगाया। होते होते इतनी राख की ढेर हो गई वहां पर, वो मिट्टी की ढेर, धुरंधर भगवान धुरंधर भगवान धुरंधर भगवान हो गया। अब पुलिस को पता चली, बड़ा चढ़ावा आने लगा। पुलिस ने सोचा चलो इसकी जांच की जाए, वैज्ञानिक लग गया जांच करने लगा, पता लगाने लगा ये भगवान उत्पन्न कैसे हुए, इसका जन्म कहां से हुआ। पता लगाते लगाते फिर वो नगर वेश्या के पास पहुंचा। उससे पूछा गया कि तुमने धुरंधर भगवान को कैसे दर्शन पाया। अब वो शर्म के मारे कहीं मैं अकेले में बताऊंगी, सबके सामने कुछ कह नहीं सकती हूं। मीडिया वाले पहुंच गया, उसने कहा कि मैं वहां पर पेशाब की थी, दो आदमी मुझे पूछ दिए, मैं शर्म के मारे उसे झूठ बोल दी कि धुरंधर भगवान जन्म ले लिए। अब उसके चलते जो है साल भर में वो वहां मेला बड़ा गजब का लगने लगा। असली जो सच्चाई का सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बंधुओं सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हम मान ले अंदर से कि खूंटा में भगवान है और आप जबरदस्ती दूसरे को मनवाना चाह रहे हैं तो गलत बात है। खूंटा फाड़ने के बाद कुछ निकलता है नहीं। ये इंसान से दुनिया नफरत करती है, जिसमें भगवान है वहां भगवान नहीं मानता है, जहां भगवान नहीं है वहां पर सिर रगड़ने जाता है। अजीब प्रकार की ये संसार है। माता बेटा कहा, वेदों में बताया गया चार ही देवता, पूरे वेद को पढ़ डालो सब निचोर निकल जाएगा। कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता पिता देवता है, गुरु देवता है, कहा अतिथि देवता है। ये चार देवता के अलावा पांचवा देवता कोई पत्थर पानी में बताया ही नहीं, और हम लोग रात दिन उसमें पूजने में लगे हुए हैं। तो कहा पत्थर पूजू हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर में भगवान नहीं है। मूर्ति पत्थर की हो या कागज की हो, बीते हुए जो गए हुए महापुरुष है उनका चित्र होता है, चित्र में चरित्र छिपा होता है। उनके सद्गुणों को धारण कीजिए, उसको अगरबत्ती और मिठाई खिलाने भगवान खाते वाते नहीं है। का पत्थर जो भोग खाता तो टट्टी जरूर जाता, भगवान यदि भोजन करता तो लैट्रिन उसको जरूर लग जाती, क्योंकि आदमी खाता है तो लैट्रिन जरूर जाता है। हम लोग उसमें लगे हुए, एक किलो मिठाई चढ़ा दो हम लोगों का धर्म कर्म हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है, ये ठग मंत्र है। असली भक्ति करना होगा, जो असली भक्ति करेगा कहा गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। मैं कह रहा था कि हम लोगों का वस्तु कहीं और है, सुख कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे। का सुख ढूंढ रहे तुम बन में गिरी गावर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। का तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पूरे दुनिया के उद्भट विद्वान
परम तपस्वी संत महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों का नाम ले लो, उन्होंने भीतर की यात्रा किया और उस परम तत्व के दर्शन के बाद उसमें जो आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं, महाआनंद कहते हैं, उसमें वो संलग्न हो गए और अंदर की यात्रा होते ही सारे बाहर की यात्राएं छूट जाती है। जब कहते हैं ये लड़कियां छोटी छोटी होती है तो कन्या पुत्रा खेलती है ना, इधर खेलता था बंद हो गया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया ये सब बच्चे लोग खेलते थे, तो गुड़िया गुड़वा की शादी भी करवाते थे और बढ़ाती भी जाते थे, गीत भी गाती थी, उसके दुरागमन भी होता था। ये छोटे छोटे बच्चे आजकल के तो पढ़ने लिखने में व्यस्त है, वो कन्या पुत्रा गया। और जब वो बड़ी हो जाती थी, वही जो लड़की गुड़िया गुड़वा से खेलती थी, वही जब बड़ी हो जाती थी, जब असली पति मिल जाता था, तो कन्या पुत्रा छूटता था कि नहीं? नहीं छूटता था। बचपन में हम लोग मिट्टी के बालू का घर बनाते हैं, बालू का भगवान बनाते हैं, बालू का बैल बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, और शाम को जब बचपन में हम लोग घर से जाने लगते थे नदी किनारे से, सबका इसका देवता को वो फोड़ दे, उसका देवता को वो फोड़ दे, चल दे। वही काम आज भी कर रहे हैं हम लोग, जवान हो गए हैं, बस क्वालिटी बदल गया। उस समय बालू का घर और मंदिर बनाते थे, आज सीमेंट गिट्टी बालू का बनाते हैं और पत्थर का भगवान मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का भगवान ला करके प्रस्थापित कर देते हैं और उसको प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। होता क्या है, शाम होने के बाद, दो दिन होने के बाद नाच गा करके जब थक जाते हैं, उसी मिट्टी के भगवान को ले जा करके खाड़े में फेंक देते हैं, जिसको आप विसर्जन कहते हैं। शब्द वही है, भसा देना है, फेंक देना है, एक ही बात है, क्योंकि भगवान में प्राण नहीं है। यदि कहो उस मिट्टी के भगवान को विसर्जन करता हो, आदमी के एक आदमी को कहे, वो यदि सच में हो जाए कि अगर रे बेवकूफ, तीन दिन तक तू मेरी पूजा किया, आज ला करके इस गंदी जगह मुझे फेंक रहे हो, नालायक, मैं एक गदा मारूंगा, हनुमान जी कूट दे। तो हम लोगों की बुद्धि सठिया गई, हम लोग इंसान में भगवान को नजर नहीं लाए, माता पिता को दुख देते रहे और पत्नी को दुख देते रहे, पत्नी पति को दुख देते रहे, एक इंसान से दूसरे इंसान में नफरत करते रहे और कहते हम बहुत बड़े धार्मिक है, बढ़िया भगवान को पूजते हैं। अभी हमने सदगुरुदेव जी के उस पद पर कहा कि सुख ढूंढ रहे तुम बन में गिरी, गवर के कंदर में परवाह पता नहीं पाया, तेरे है अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर ला रहता है, पर तू विपन्न होकर दद्दर ठोकर खाता है। हम लोग बाहर की यात्रा छोड़ करके भीतर की यात्रा करें और जो शक्ति समय उस पत्थर और बांस में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, इस इंसान में लगाए। माता पिता को प्रणाम कीजिए, कितनों दुश्मनी किए हैं तो आशीर्वाद देता है, जाओ बेटा खुश रहो। पत्थर कभी एक मक्खी को जन्म दिया? नहीं दिया। इसीलिए जहां से ज्ञान लेना है वहां से ज्ञान लीजिए, उस चित्र से चरित्र है छिपा हुआ, जीवन चरित्र है, उस जीवन से अपने जीवन को मिलाइए और सुधार करिए। और जहां पर ये इंसान है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को जो अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इन्हीं कुछ वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और मैं एक गुजारिश करता हूं, दो मिनट और लूंगा हम, संचालक महोदय का बड़ा घड़ी देख रहे हैं। ये जो व्यवस्था हो रही यहां सत्संग की, सत्संग में भी राजनीति होती है, बड़े दुख की बात है। जहां पर मनुष्य जीवन के पूर्ण कल्याण की बातें इस सत्संग में होता है, जो आदमी आज दिन रात सुख को ढूंढने में लगा है, जो परम सुख परमानंद की यहाँ बातें बताई जाती है, जिससे आदमी जीवन भर के लिए क्लेश रहित हो सकता है, इस ज्ञान यज्ञ में हजारों रही लाखों लोगों को जहाँ शिक्षा मिलती है, वहां भी लोग राजनीति करते हैं, दो पैसे देने में कतराते हैं, जहां पर देना नहीं चाहिए वहां देते हैं और जहां देना चाहिए वहां नहीं देते हैं।